प्रयागराज उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के राज्य में किया जा रहा है गरीबों को बेघर तथा भू माफियाओं का पैसों के बल पर है बोलबाला। प्रयागराज टीसीआई महवा पूर्व पट्टी विद्यापीठ थाना नैनी के पास तीन पीढ़ी से रह रहे पिछले 150 से ज्यादा लोगों को आज किया जा रहा है बेघर। पारस कुंज फ्लैट बनाने वाले भू माफियाओं अपने पैसे के बल पर दबंगई के जोर पर गरीबों को घर से बेघर करने पर मोहताज कर रहे हैं। 1983 से 10 रुपए स्टैम्प पेपर पर लिखा परी के साथ अपने परिवार के साथ धीरे धीरे मेहनत मजदूरी कर झोपड़ी और घर को बनाने वाले लोगों को आज भू माफियाओं द्वारा उनकी जमीन से हटाया जा रहा है। प्रयागराज से अनिल कुमार की रिपोर्ट। आज हमको लोग निकाला जब हम लोग गरीब में कहाँ जाए बताओ भाई। अब हम लोग गरीब में नान नान बच्चे लेके कहाँ जाए। अगर चाहे हमको लोग के मर डल ले मगर कब सारा जमीन ले लो। हम यही चाहे और कुछ नहीं। हमको लोग मर डल जमीन ले हमारे लोग की मांग यही है कि हमको लोग कराए गए। अरे तो भाई हमको लोग के कहूँ व्यवस्था दे। अब हम लोग गरीब में नहीं मैं जाए तो हर रोज मजूरी करी थी तो खाई थी ना मजूरी करी इतना खाई। पत्रकार साहब इन लोग का मांग ये है इन लोग का कहना ये है ठीक है हमारा तोबा दे जो करना है कब्जा करना है कर ले मगर जितना बना हुआ है भाई किसी जगह उनको जमीन दिलवा के जिस तरीके बना हुआ है एक अपनी मेहनत की कमाई लगा के टूटा जोड़ के बनवाए हैं तो इनका इसी तरीका बनवा दिया जाए। और इनसे हम हो क्या कहते हैं अपार्टमेंट वालों से जो लिए इनका जो मालिक है इनसे कोई दुश्मनी नहीं है भाई। गरीब आदमी वो खाना कमाएगा खाएगा कि इनसे नहीं ये एप्लीकेशन से एप्लीकेशन दे के इन लोग का सब तुड़वा रहे हैं। यही इन लोगों की मांग है कि भाई ठीक है हमारा ले लिया जाए तुड़वा दिया जाए मगर जैसे हम लोग का मकान आवास बना जितनी ज़मीनें हैं हमको कहीं और सब शिफ्ट करके हमारा ऐसा बनवा दिया जाए। और इन लोग की कोई मांग